जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेस। मेरा नाम आदेश सर है। आज हम दो असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड पीएसबी में रिकमेंड हुए कैंडिडेट से इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। हमारे बीच अमन है एंड धीरज है, ये यहाँ पर पीएसबी के लिए क्लासेस की और इन्होंने अपना बेस्ट दिया और फाइनली ये पीएसबी में रिकमेंड हुए। तो आप अपना एक्सपीरियंस बच्चों को बताएं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं और जिन बच्चों का पीएसबी होने वाला है, वो अपना जो है कुछ अगर आपसे वो सीख सकें तो अपना इम्प्रूवमेंट करें और वो भी जाएं, अपना बेस्ट दें और रिकमेंड हो। तो अमन, आपका सेंटर कहाँ था? थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग अस। सर, बात की जाए हमारे सेंटर की तो मेरा पीएसबी सेंटर नोएडा था। नोएडा में था। 24 को हमारी रिपोर्टिंग थी, मॉर्निंग शिफ्ट 7 AM। गुड। स्ट्रेंथ क्या रही होगी सर? स्ट्रेंथ ओवरऑल डे की सर 240 थी और जिसमें से टोटल 25 कैंडिडेट्स रेकमेंड हुए थे पीएसबी के लिए। गुड। तो उनका पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बच्चों को आप शुरुआत से बताओ कि आप वहाँ पर जब रिपोर्ट करते हो तो आपको कैसे वहाँ के ऑफिसर्स आपको ले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे चेक करते हैं, और फिर वो आपको डॉक्यूमेंटेशन के बाद, मान लो कोई बच्चा किसी डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या उसके साथ उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है या फिर इन कर लिया जाता है, नेक्स्ट टेस्ट होते हैं उसके बारे में आप बताओ। सर, हम लोग शुरुआत में सुबह जब रिपोर्टिंग थी हमारी तो फिर वहाँ पे ऑफिसर्स आए और हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में ब्रीफ किया। गेट पे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जैसे आधार कार्ड, दो फ़ोटो और एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी। और फिर उसके बाद बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चेकअप के बाद हमें अंदर ले जाया गया हॉल में, जहाँ पे फिर हमारा दूसरी बार डॉक्यूमेंटेशन हुआ और जिसको TA क्लेम करना था वहाँ TA क्लेम करने वाले भी सर थे। फिर उसके बाद हमें लेके गया जाया गया ऊपर फिफ्थ फ्लोर पे लेके जाया गया OIR टेस्टिंग के लिए। फिर OIR टेस्टिंग हुई और फिर उसके बाद हमें तुरंत ही PPDT सेशन के लिए PPDT शीट्स दी गई। फिर उसके बाद स्टोरी राइटिंग और फिर उसके तुरंत 5 मिनट भी नहीं हुआ था सर, फिर उसके बाद हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए GTO हॉल लेके जाया गया। और सर, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन को लेके जो इंडियन कोस्ट गार्ड है काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं मेक श्योर करें कि वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, प्रॉपर 2-3 बार आप चेक करके लेके जाएं। क्योंकि मैंने देखा था कि वहाँ काफ़ी लड़के जितने भी थे रेकमेंड होने के बाद भी 2-3 लड़के डॉक्यूमेंट आउट हो गए थे, तो फिर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। धीरज, आपका सेंटर कहाँ रहा? सर, मेरा भी सेम नोएडा में ही था। अच्छा, डेट के कौन सी डेट थी, टाइमिंग क्या था? 23rd को था मेरा और टाइमिंग 8:30 पे था। यस सर। तो कितने की रिपोर्टिंग थी, स्ट्रेंथ क्या थी उस दिन? सर, मेरे बैच में 77 की रिपोर्टिंग थी और पूरे दिन भर में 250 लोग थे। 250 बच्चे थे लगभग। तो कितने 250 में से कितने बच्चों को रिकमेंड किया गया? लगभग 25 लोग। मतलब आप देखो तो 10 में से एक। यस। ओके गुड। तो यहाँ पर आप कुछ बच्चों को ये बताइए, जैसे इन्होंने, अमन ने बताया कि सर डॉक्यूमेंटेशन में सर बहुत स्ट्रिक्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल्स, वो आपको बोलते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट बोला है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, नोटिफिकेशन में दिया है, आप उसको लेकर आएँ, ओरिजिनल लेकर आएँ और उनका जो टाइम होता है उस टाइम में आएँ। तो आपने जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो कौन सा करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर गए थे, किसे साइन करवा के गए थे? मैं करेक्टर सर्टिफिकेट गेस्टेड ऑफिसर के ले गया था। उसमें 3 ऑप्शन थे, या तो आप कॉलेज से ले आइए, या फिर ग्राम पंचायत से, या फिर किसी गेस्टेड ऑफिसर से। तो मेरा गेस्टेड ऑफिसर वाला था और करेक्टर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ्स का होना चाहिए। एक लड़का था जिसका पुराना था, तो उसको वो टाइम दिए थे, फिर वो मुझे नहीं पता कि वो करवा पाया था कि नहीं, लेकिन उसका वो रिजेक्ट कर दिया था, 6 मंथ्स पुराना था। तो अमन, एक चीज़ और, जैसे कि आप OBC के लिए वो सेंट्रल का मांग रहे थे। हाँ सर। कास्ट सर्टिफिकेट। यस। तो आपका क्या था? सर, मेरा सेंट्रल का ही था। सेंट्रल का था। यस। तो क्या स्टेट का कोई बच्चा लेकर जाएगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं सर, वो सेंट्रल का ही। तो माय डियर फ्रेंड, डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत ही डिसिप्लिन होना है, मतलब उन्होंने जो कहा है आप उसे बनवा लीजिए, उसको लेकर जाइए। जैसे अमन ने कहा कि कुछ बच्चे सर रिकमेंड होकर डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो गए, राइट?
ऐसा भी था सीन? यस सर, हाँ, अब इतनी मेहनत से सर किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन की और लास्ट में सीली मिस्टेक की वजह से बाहर हो जाओ, तो सर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, अंदर से गिल्ट रहता है। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, जितना डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी भी मस्ट है, सारे फोटोकॉपीज लेकर जाएं आप। ठीक है, अब आप अमन आप बताओ आगे का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, उनका जो नेक्स्ट टेस्ट होता है सीसीबीटी का वो कैसा रहा और क्या उसमें बच्चे बाहर हुए थे या कि सब इन हो गए थे, सारे पास कर लिए गए, और उनका नेक्स्ट पीपीडीटी में क्या था, कितने के ग्रुप थे, कितने उसमें हुए, आप इसको बताएंगे। यस सर, सो सर हमें 5th फ्लोर पे लेके जाया गया, हमारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद 5th फ्लोर पे लेके जाया गया, फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा सीसीबीटी स्टार्ट हुआ। तो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत अच्छे से मतलब ब्रीफ करते हैं सब कुछ, जैसे किसी ने क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ अच्छे से ब्रीफिंग दी जाती है हर एक स्टेप में। फिर उसके बाद वहाँ पे सीसीबीटी में उन्होंने ब्रीफ किया कि 7 सेक्शंस थे टेस्ट के, तो फिर हर और टोटल 80 क्वेश्चंस थे और टाइम अलॉटेड था 30 मिनट्स, और वहाँ पे हमें फिर वहाँ पे ओएमआर शीट्स दी गई, फिर उसके बाद हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई। फिर 7 टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मतलब पहला टेस्ट होने से पहले ब्रीफिंग की गई थी और फिर कुछ एग्जांपल्स भी हमें दिखाए गए थे, फिर उसके बाद हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ। फिर एक सेक्शन ख़त्म हुआ, फिर दोबारा ब्रीफिंग की गई, फिर दोबारा टेस्ट स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ऐसे करते करते 7 टेस्ट कम्प्लीट हुए, फिर उसके बाद हमारा सीसीबीटी कम्प्लीट हो गया, फिर हमारी ओएमआर शीट सबमिट कर ली गई, फिर उसके बाद तुरंत ही हमें पीपीडीडी शीट्स अलॉट की गई, और फिर उसके बाद हमें हमारे असेसर्स ने स्टोरी के रिगार्डिंग हमें ब्रीफ किया, फिर उसके बाद फिर पिक्चर दिखाई गई जो 30 सेकंड्स की थी, फिर उस पर हमने स्टोरी लिखी, फिर उसके बाद तुरंत ही हमें GTO हॉल लेके जाया गया जहाँ पे हमारी फर्दर टेस्टिंग हुई, जहाँ पे GD हुआ, फिर स्टोरी का नरेशन हुआ। तो एक चीज़ और, अब जैसे बहुत बच्चे आपको देख रहे हैं, इनका जो है होगा जो है PSB, तो आप धीरज पहले आप अपनी स्टोरी बताएंगे कैसी पिक्चर वहाँ दिखाई गई थी, ठीक है, देन आप अपनी पिक्चर बताएंगे और आपका थीम कैसे था, कैसे आपने जो है स्टोरी लिखा था, क्या थीम रहा और आपका क्या थीम रहा, और नरेशन में क्या आपको पूरा नरेट कर पाए थे, और डिस्कशन में आपने कितनी बार पार्टिसिपेट किया था, ये भी आप बताओ, क्योंकि बच्चों को ये हेल्प करेगा जो बच्चे देख रहे हैं। जैसा कि अमन ने बताया, पहले OIR हुआ, उसके बाद हम लोग को थोड़ा लंच के लिए टाइम दिया गया, उसके बाद फिर हमारा PPDT सेशन हुआ, जिसमें मेरे PPDT में हेजी पिक्चर नहीं था, एकदम क्लियर पिक्चर थी। उसमें मेरा जो थीम था वो मैंने कॉलेज का सीन दिखाया था, और उसमें 3 मेंबर्स थे, 3 कैरेक्टर मैंने परसीव किया था, और एक यंग कैरेक्टर था उसको मैंने स्टूडेंट दिखा दिया, बाकी 2 कैरेक्टर को एज अ प्रोफेसर दिखा दिया, और कॉलेज का सीन दिखाया था, और नरेशन में 1 मिनट मुझे मिला था और मैंने 1 मिनट के अंदर कवर कर लिया था पूरा, और जो लोग नहीं कवर कर पा रहे थे उसके लिए वो लोग नेक्स्ट कर दे रहे थे, तो उस 1 मिनट के फ्रेम में हम लोग को कवर करना रहता था, मैंने किया था कवर। ठीक ठीक, तो आपके ग्रुप में डिस्कशन अच्छे से हुआ? डिस्कशन मेरा ग्रुप सबसे हेल्दी ग्रुप था, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, और मुझे लगता है मेरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोग सेलेक्ट भी हुए थे। गुड गुड, तो अमन एक चीज़ आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिना प्रिपरेशन के जाते हैं, तो वो प्रिपरेशन करके जाएंगे तो हमें लगता है ये बहुत अच्छा मौका होता है कि वो आराम से PSB रिकमेंड हो सकते हैं, FSB में जाके अपना बेस्ट दे सकते हैं, है ना, तो आपका क्या सजेशंस रहेगा, बच्चे प्रिपेयर होके आए क्योंकि उनको थोड़ा सा ही मेहनत करना होता है वो PSB रिकमेंड हो जाएंगे। यस सर, ठीक। तो सर प्रिपरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि सर ने बताया PSB रिकमेंड होने के लिए, वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप ये मेक श्योर करते हैं वहाँ पे जाने के बाद कि वहाँ पे जो प्रेशर जो फील होगा आपको उससे आप बहुत अच्छे से डील करेंगे, जैसे कि बहुत लड़के थोड़ा केयरलेसली ले लेते हैं इन सब चीज़ों को, तो फिर वहाँ जाके वो बाद में उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा यही सजेशंस रहेगा जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं अपने अपने इंटरव्यू के लिए, PSB इंटरव्यू के लिए, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, और फिर मेन चीज़ है प्री कंसीव्ड थॉट्स के साथ मत जाइए आप वहाँ पे, एकदम फ्रेश माइंड के साथ जाइए आप। स्टोरी पिक्चर जैसे आपको कोई स्लाइड दिखाई जाएगी तो मेक श्योर करिए कि वो स्टोरी जो आप लिखें वो
प्लॉट से मैच करे, रेलेवेंट रहे, ऐसे ही नहीं कि कोई भी स्टोरी लिख दी और फिर नैरेट अच्छे से कर दिया तो ये आप सोचें जीडी में पार्टिसिपेट किया तो आप सोचें कि मैं रिकमेंड हो जाऊंगा। स्टोरी पिक्चर से रेलेवेंट, स्टोरी जो हो पिक्चर से मैच करनी चाहिए, ये आप ज़रूर मेक श्योर करें और अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, अच्छा परफॉर्म करेंगे आप वहाँ पर। ठीक, और आपका सजेशंस क्या रहेगा सर? PPDT में आपको तीन चांस मिलते हैं। पहला तो आपको स्टोरी लिखना रहेगा, उसमें आप अगर एक दो लाइन नहीं भी लिख पाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपको GD में और नरेशन में वो चांस दोबारा मिलेगा, वहाँ आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने तो लिख लिया था स्टोरी, बहुत लोग थे जो स्टोरी में कम्प्लीट नहीं कर पाए थे तो वो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, वो उन लोगों का नरेशन बढ़िया था, GD परफॉर्मेंस बढ़िया था। तो ये बात कहीं ना कहीं आप क्लासेस में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो थे तो शायद ये बात आपको बताई गई हो। सर आपने बताया था ये बातें, मैंने मेंशन किया था कि आपको तीन मौके मिलेंगे, एक आप स्टोरी राइटिंग करेंगे, दूसरा नहीं अच्छा हो पाया है तो नरेशन आप अच्छा करेंगे, नहीं हो पाया तो डिस्कशन में आप अच्छा करेंगे। अच्छा, वहाँ पर क्या ग्रुप कंक्लूजन हो पाया था आपके ग्रुप में? सर मेरे ग्रुप में तो हुआ था। तो कौन दिया था ग्रुप कंक्लूजन? सर सब ने, किसी चेस्ट नंबर मुझे नहीं याद आ रहा, उस लड़के को रिकमेंड, मतलब रिकमेंड हुआ, हाँ रिकमेंड किया था कि बोलने के लिए, फिर उसने नरेट किया था कॉमन स्टोरी। तो क्या वो फाइनली रिकमेंड हुआ? हाँ वो रिकमेंड हुआ था। yes, आपके ग्रुप में? यस yes, सर मेरे ग्रुप में भी हुआ था। जब बेसिक डिस्कशन हो रहा था तो सर मैंने अपनी थीम बनाई थी विले, बहुत ही हम लोग के टाइम पे PPDT पे सर बहुत ही ईजी पिक्चर दिखाई गई थी, इतनी ईजी की थी वहाँ पे कैरेक्टर भी हम लोग सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, बस ये समझ में आ रहा था कि एक विलेज का बैकग्राउंड है बस। तो फिर तो मैंने तो विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके थीम बना दी थी स्टोरी। तो ग्रुप डिस्कशन पे काफ़ी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था इस थीम को, तो मेरी थीम को कॉमन स्टोरी में कंक्लूड किया गया था। तो चेस नंबर 17 था हमारे ग्रुप का, वो ग्रुप को काफ़ी अच्छे से लीड कर रहा था तो उसको सबने अपॉइंट किया था कॉमन स्टोरी के कंक्लूड करने के लिए। गुड, तो हम ये कह सकते हैं कि चौथा मौका आपका कॉमन स्टोरी देने का है। yes, अगर आपका ग्रुप आपको सेलेक्ट करता है कॉमन स्टोरी, कॉमन थीम देने का, तो ये चौथा अटेम्प्ट होता है, राइट? एक बार आप स्टोरी राइटिंग करते हैं, एक बार नरेशन करते हैं, फिर एक बार डिस्कशन में आप दो तीन बार पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आप कंक्लूजन देते हैं, राइट? तो बहुत ही बढ़िया। अमन एंड धीरज, आपको अब टाइम मिला है FSB के लिए, तो उन्होंने क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, कितने दिन बाद आपको बुलाया जाएगा? सर उन्होंने एक टेंटेटिव डेट बताई है 17 जून की और दूसरी डेट 24 जून की बताई है। अच्छा, तो दो ही बैच बनेंगे या फिर से? ये सर हमने, हम हमारे रिकमेंडेशन लेटर हमें जब दिया गया तो फिर उन्होंने बाहर हमें ब्रीफ किया गया, ब्रीफ किया कि 17 को पहला बैच आएगा और सेकेंड बैच आएगा 24 को, और फिर 80-80 के दो बैचेस बनेंगे। हमें बोला गया था कि आपकी, आप पोर्टल पे चेक करते रहिएगा अपनी ईमेल आईडी और पोर्टल चेक करते रहिएगा, आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन वहीं से मिलेंगे। गुड, तो आप जो है, आपके पास अगर देखा जाए तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो दूसरा ये तो क्लियर हो गया, आप 5 दिन के प्रोसीजर में जाने वाले हैं, उनके टेस्टिंग में जाने वाले हैं, उसमें से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू पार्ट होगा और GTO पार्ट होगा। GTO में इंडोर टास्क, एक आध इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अमन, अगर देखा जाए तो अपने पास कम टाइम है, राइट? यस। अब FSB के लिए हमें जी जान से लग जाना चाहिए, राइट? क्योंकि हमें साइक पार्ट पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, हमें 12 स्टोरी राइटिंग करनी है, WAT लिखना है, ठीक है, और SRT लिखना है, SD लिखना है, ठीक है। ये हमारा अच्छा होगा, बेहतर परफॉर्मेंस होगा जब हम खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें, जितना आप गलतियाँ करना चाहते हो आप अभी मॉक इंटरव्यू में कर लीजिए, रियल इंटरव्यू में आप वो गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो आप लोग जो है FSB के लिए एकदम लगे हो और अच्छे से लग जाओ यार, क्योंकि अब जो है, जो आपके सामने है ये फाइनल है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है। तो यहाँ पर आप रिकमेंड होते हैं, आपका फिर नेक्स्ट मेडिकल होगा, देन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, राइट? तो जितना अब इतना मेहनत करके आप यहाँ पर पहुँचे हो, तो इसमें कोई मेहनत में कमी ना करो, अच्छे से अपना 100% दो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 3 से 4 महीने बाद आपके हाथ में वाइट यूनिफॉर्म, ठीक है, एक गजेटेड पोस्ट होगी और आपका पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट का, और आप जानते हो कि क्या रुतबा है, क्या जो है पोस्ट है, ठीक है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सामने है और नेक्स्ट आपके कोर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे,
कोस्ट में आपका इंडक्शन होगा आई थिंक जनवरी से राइट yes, तो ये आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. जाओ FSB में और क्रैक करके रिकमेंडेशन लेकर आओ आप दोनों, और मेक श्योर आपका लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम होगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर.